हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है करवा चौथ और मैं क्या क्या प्रिपरेशन करूंगी वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और मैंने क्या बनाया है और कैसे क्या पूजा की है, चेरी के साथ मैनेज करना बहुत टास्क होता है क्योंकि बीच बच्चों को बीच बीच में देखना पड़ता है और अभी 8 मंथ मेरा बेबी है और परेशान करती है थोड़ा सा, तो उसको भी देखना पड़ता है। और आज फास्ट भी है करवा चौथ का, तो वो सब मैं कैसे मैनेज करूंगी पूरा दिन आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहना ब्लॉग में और पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं इसकी हरकतें चलती रहती थोड़ी बहुत। मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, तो चलो चलते हैं आगे और देखना ब्लॉग कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दिन का टाइम है और एक हाथ पर तो मैंने खुद से लगा दी थी क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में अच्छे से लग जाती है, बट लेफ्ट से राइट में पॉसिबल नहीं होता। तो आगे मैंने एक सर्कल बना दिया था जो कि बहुत अच्छा लगता है, बट राहुल करने लगे लाओ मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे उनकी कलाकारी चल रही है, चलो कोई ना, पर वो लगा तो रहे ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो ये अब मैं शाम को नहा धो के रेडी हो गई थी, रेडी तो बाद में होंगी, अभी मैं खाना वाना बना रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ बना रही हूँ कढ़ी। तो दोनों तरफ काम चलते रहेंगे, फटाफट काम करना है क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर मेरी कढ़ी बॉईल हो रही है क्योंकि इसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए सारे काम एक साथ चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू को भी फ्राई कर रही हूँ घी में, और यहाँ पर मैंने गर्म पानी में मटर और पनीर को डाल दिया जिससे पनीर सॉफ्ट रहे। और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और कुछ खड़े मसाले, फिर उसके बाद ग्रेवी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे राइस भी बन रहे हैं और यहाँ पे एक तरफ कढ़ी बॉईल हो रही है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो कढ़ी के लिए वो बनाते हैं, झार बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, वो बना रही हूँ मैं। तो वो कढ़ी में डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो कैसी क्या बनेगी पता चलेगा जब खाएंगे जब, पर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पकौड़े की मैंने बनाई है बट ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो देखते हैं कैसी क्या बनती है। सो अभी तो बहुत कुछ रेडी करना है मुझे, तो बहुत सारा काम है, फिर खुद भी रेडी होना है, तो दिन पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल जाता है। और करवा चौथ का दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है, मुझे तो लगता ही नहीं कि भूख प्यास का याद भी रहता है। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा रही हूँ कढ़ी में, तो कढ़ी पत्ता, हींग, हरी मिर्ची, राई, जीरा, मेथी सब कुछ डाल दिया है और मैं इसको मिला दूँगी कढ़ी में। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी रेडी हो रही है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और ग्रेवी। मैंने तेल में जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल के और जो ग्रेवी थी ना वो डाल दी, अब उसको अच्छे से मिला लेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, मैं पूरा बीच बीच में शूट कर रही थी और बीच बीच में भूल गई थी, हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताओ। सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है और ये मैंने चूड़ा पहन लिया है, मेहंदी मैंने खुद से लगाई है और एक हाथ में राहुल ने लगाई है, देखिए। कैसी लग रही है? सो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेरी भी रेडी हो चुकी है। चेरी, चलो अभी उसके डैडी भी रेडी होंगे, अभी चेरी रेडी नहीं हुई है, चेरी को ड्रेस पहनाया, अभी चेहरे पे कुछ लगा दूँ। और अभी मैं ये रेडी हो गई हूँ, सो अब मंदिर में चलते हैं और पूजा करते हैं। सो ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी अच्छा होगा ब्लॉग। अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे पूजा करने के लिए चांद की। सो ये ड्रेस अप है मेरा, मैंने साड़ी पहनी हुई है, फुल लुक मैं अभी दिखा दूँगी, राहुल फुल लुक दिखा दूँ मेरा। सो फ्रेंड्स, रेडी वगैरह होके अच्छे से, और अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और यहाँ पे तस्वीर पहले से ही लगा दी थी इन्होंने, और जो श्रृंगार है, जो साड़ी वगैरह है जो मैं अपनी सासू माँ के लिए हमेशा लेके आती हूँ, वो सब मैंने वहीं साथ में रख लिया है। तो मैं उसको भी मतलब ऐसे पूजा कर देंगे, टीका वीका लगा देंगे उसको भी, तो वो भी मैंने साइड में रख लिया है। और जो तस्वीर की पूजा करते हैं करवा चौथ पर, तो वहाँ पर मैंने वो रख लिया, और यहाँ पर मैं जितने भी उसमें भगवान और
बने हुए हैं, सबको मैं टीका वीका लगा दूंगी और फूल चढ़ा दूंगी। और इस तरीके से करते हैं पूजा, आप लोग कैसे करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं जो श्रृंगार है उसमें से जो भी श्रृंगार है थोड़ा थोड़ा चढ़ा दूंगी। और ऐसे ऐसे मतलब करते हैं पूजा। और इसके बाद फिर कहानी वगैरह पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से करवा चौथ की पूजा की जाती है और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर लास्ट में आके इतनी जल्दी जल्दी होती है कि अरे लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, चांद आ गया। और जिस समय जी पूजा कर रही थी मैं, उस समय चांद आ गया था, बट पूजा करके फिर उसके बाद मैं ऊपर गई थी। तो आप लोग आगे बने रहना ब्लॉग में कि क्या कैसे होगा आगे। तो यहाँ पे बस मैं जो करवा जो लेके आते हैं उसकी भी पूजा कर दूंगी, और जो पैरों में आलता लगाएंगे उसको भी मैं चढ़ा दूंगी सभी देवी देवताओं को। और उसके बाद मैं लगा लूंगी फिर किताब, फिर जो कहानी है ना किताब वो पढ़ेंगी। बजा बजा। अरे हुआ, चलो बजाओ घंटी, बजाओ मेरा बेटा, बजाओ 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 बजाओ। देखो मेरा बेटा तैयार हो गया, हेयर बैंड नहीं लगाया अभी मैंने इसको, देखो घंटी बजाता है और थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने पैरों में आलता लगा लिया है और नए बिछिए भी पहन लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और यहाँ पे चेरी और उसके डैडी रेडी हो चुके हैं दोनों। और यहाँ पे अब जो कहानी है ना वो चेरी के डैडी पढ़ के सुनाएंगे मुझे और मैं वहीं बैठकर सुनूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पूजा हमारी अच्छे से हो गई, अब बस आरती और कहानी पढ़ने को रह गया है। तो कहानी इसके डैडी पढ़ रहे हैं जो कि मैं सुन रही हूँ, और बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे कहानी वानी सुन लेंगे और आरती वगैरह कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे टेरेस पर पूजा करने के लिए, क्योंकि टेरेस हमारी तीसरी मंजिल पर है तो सामान ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और चेरी भी छोटी है इस वजह से। और यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी थाली पूजा की जो ऊपर टेरेस पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चौक, क्योंकि यहीं पे मैं पूजा करूँगी। और जो होम करते हैं ना वो, तो सबसे पहले बनाएंगे चौक। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से थोड़ा सा पानी लेके ऐसे चौकोर में लीप दिया है, और उसके बाद अब मैं आटे से चौक बना रही हूँ। तो वैसे चौक बना लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो कंकु चावल है वो चंद्रमा को चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं, मतलब चंद्रमा को सबसे पहले कंकु चावल चढ़ाते हैं। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ होम, अग्यारी करते हैं, और इसी में मैं जितना भी भोग है वो सब चढ़ा दूँगी, तो वो सब चढ़ जाएगा। इस तरीके से करी जाती है पूजा। और यहाँ पे अब मैं जो दिए में जो छलनी होती है उसमें रख के और चंद्रमा को देख लूँगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दो मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराए हैं, क्योंकि थोड़ा अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाइट जल रही थी बट मतलब फिर भी इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मैं चेरी के डैडी को देख रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा पास में आ जाऊँ तो मैं आपको भी देख लूँ चंद्रमा के साथ, ऐसा देखा जाता है इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो करवा है उसमें वो भर के, और ये इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ और सात बार ऐसे करते हैं, और ये मेरा चौथा करवा चौथ है, फोर्थ फोर्थ नहीं फिफ्थ हो गया मेरा तो ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अब यहाँ पे मैं अर्घा दे रही हूँ। तो इस तरीके से अर्घा वगैरह दिया जाता है, और जो सीखे मेरे हाथों में ये हर जगह नहीं चलती है, ये हमारे ग्वालियर तरफ ही चलती है, तो मैंने ग्वालियर से मंगवा ली थी। और यहाँ पे सात सीखे होती हैं, इनको उसारने के बाद अब चारों तरफ मैं एक एक फेंक दूंगी चारों डायरेक्शन में। और इस तरीके से पूजा की जाती है हमारे यहाँ। और यहाँ पे अब मैं आशीर्वाद ले लूँगी, और यहाँ पे मैंने चेरी के डैडी को बोला कि आप भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, तो यहाँ पे वो भी आ गए थे थोड़ी सी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं, तीनों लोग सेल्फी ले रहे थे बट इतना अंधेरा हो रहा था क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा चंद्रमा ये भी रहे आपको पीछे दिख रहे होंगे, तो ज़्यादा अच्छे से क्लिप नहीं आ पाई है, थोड़ा बहुत ही क्लिप ले पाई मैं। चेरी चेरी चेरी। सो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली है, और और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग नीचे आ गए, और सबसे पहले उसके डैडी ने बोला कि सबसे पहले चेरी को पानी पिलाऊंगा मैं। तो यहाँ पे चेरी पानी पी रही है, सबसे पहले चेरी ने अपना फास्ट खोला
उसके बाद अब मैं यहाँ पे इनको कर रही हूँ टीका, और टीका करने के बाद फिर वो मुझे पानी पिलाएंगे, क्योंकि आज हम दोनों का ही फास्ट है, तो वो मुझे पिलाएंगे फिर मैं उनको पिलाऊंगी, क्योंकि हम दोनों का फास्ट है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनको पानी पिलाऊं। तो यहाँ पे पानी पिलाने के बाद अब मैं थोड़ा मीठा खिलाऊंगी उनको और फिर वो मुझे खिलाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, और चेरी नीचे खेल रही थी आराम से, टीवी देख रही थी, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा अपना मैंने ट्राईपॉड में लगा दिया था, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया था। और इस तरीके से हमारा फास्ट करवा चौथ रहा, काफ़ी अच्छा रहा, पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, काफ़ी अच्छा लगा। और हर साल सबका सब सुहागने ऐसी पूजा करें, और अब यहाँ पे हम लोग जो माला है ना वो और रह गई है वो डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इनके इनको माला पहना दी है और इन्होंने मुझे पहना दी है, तो मैं हर साल पहनाती हूँ इनको। सो यहाँ पे अब मैं चेरी के डैडी का ले लूँगी आशीर्वाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं खूब भर भर के आशीर्वाद ले लिया है मैंने, और अब बारी है चेरी को। मैंने कहा चेरी को भी टीका कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने चेरी को भी टीका किया और चेरी को भी माला पहना दी। बट माला क्या पहनाई वो तो खाने लगी, क्योंकि उनका तो फेवरेट है फूल। ये देख सकते हैं अब चेरी और डैडी एक तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख इधर सकते हैं कि चेरी को मैंने माला पहनाई तो वो फूल खाने लगी, गंदी बच्ची है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, राहुल ने मुझे पानी पिला दिया, मैंने उनको पिला दिया क्योंकि उनका भी फास्ट है। सो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, और यहाँ पे पानी मैंने राहुल को पिलाया और पूजा फूल वूजा हो गई बेचारे हमारी अच्छे से। और यहाँ पे हमने चेरी की भी पूजा की, तो यहाँ पे इनको माला पिलाई तो इन्होंने तोड़ के और उसमें से फूल खाने लगी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी फैमिली, पिछले साल चेरी मेरे पेट में थी, इस साल वो आ चुकी है, तो इस साल ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को क्योंकि चेरी हमारे साथ है इसीलिए। और काफ़ी अच्छे से हमारा सेलिब्रेट हो गया, और अच्छे से पूजा भी हो गई, और यहाँ पे चेरी फूल खा रही है, आप लोग देख सकते हैं बहुत गंदी बच्ची है। तो अभी थोड़े से फोटो क्लिक कर लेते हैं और रील्स बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये है हमारा करवा चौथ का ब्लॉग, और आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताना। देखिए यहाँ पे अभी खाना खा रहे हैं ये, वैसे मैंने भी थोड़ा सा खा लिया है, बट मैं चेंज करने के बाद खाऊंगी, क्योंकि अच्छे से तभी खा पाएंगे जब ये चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हेयर बैंड निकाल रही है, लॉ में निकाल दूँगी हमारा हेयर बैंड। तो ब्लॉग का करते हैं एंड, अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो बस ब्लॉग एंड कर देते हैं, उसके बाद तुम्हें अच्छी चीज़ देंगे। तो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, क्योंकि त्यौहार आगे आगे आते आएंगे, दिवाली आएगी, तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मेरा लुक कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, बाय बाय।